सभी को सेवा जोहार। आज हम छिंदवाड़ा के यो पोला ग्राउंड है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर कुछ पूजा अर्चना चल रही है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये सभी लोग किस चीज़ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मैं हमारे वरिष्ठ दादाजी से इस चीज़ की जानकारी पूछना चाहूँगा। दादाजी, आज आप किस चीज़ की पूजा कर रहे हो? आज साहब हम हमारे पूर्वज मेघनाथ बाबा की पूजा कर रहे हैं। अच्छा जी, मेघनाथ बाबा। और ये जो आप ये डंडा जो दिख रहा है लकड़ी, और इसका क्या रहस्य और किस तरह से आप इसे डंडा या लकड़ी बोल रहे हैं? जी एक्चुअली ये डंडा या लकड़ी नहीं है जी, इसको लाने के लिए ये हमारे दादाजी मेघनाथ दादा जी, इनको लाने के लिए जाना पड़ता है जंगल से पूजा पाठ करके और फिर वहाँ से लेके आना पड़ता है, इसीलिए डंडा नहीं है हमारे देव जी। आप लोगों बहुत लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होगी, आप लोग बहुत बार छिंदवाड़ा के ये पोला ग्राउंड में आए होंगे और आप लोग इसको देखे होंगे, परंतु आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि यह मेघनाथ बाबा मानते हैं। ये सभी लोग इन लोगों को पूजा कर रहे हैं और इनको मेघनाथ बाबा मानकर इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दादाजी ये पूजा कब से, मतलब कितने दिनों कितने सालों से हो रही है? ये तकरीबन 150 साल से भी ऊपर लगभग मान के चलिए आप 150 साल से ऊपर का तो कर दो, है ना। बीच में किसी कारणवश यहाँ की पूजा रुक गई थी जो 2005 से इसको पुनः चालू की गई है, जिसमें फॉरेस्ट का भी अच्छा हमको सहयोग रहा, कलेक्टर साहब का भी सहयोग रहा और नगर पालिका का भी हमको इसमें सहयोग रहा जी। मैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर भी कुछ देवी देवता है क्या आपके जानकारी में? जी जी, वहाँ पे मालदेव है और मुठुआ बाबा है जी। मुठुआ बाबा, हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले मुठुआ को पूछते हैं जी, किसी भी पूजा करने से पहले हम मुठुआ को पूछते हैं। वो हमारे मुठुआ बाबा होते हैं, मुख्य जिसको लोग बोलते हैं, हमारा जो बड़े बुजुर्ग वो होते हैं, वो हैं और साथ में ही मालदेव है। मालदेव जो है, जैसे हम आप लोग दीपावली मनाते हैं, दीपावली में हम लोग मालदेव की पूजा करते हैं, जिसमें हमारे घर के गाय ढोर बैल बच्चे धन धान का ऐसा करके उसकी पूजा करते हैं जी। जी, तो ये मेघनाथ बाबा की जो पूजा होती है, ये मेघनाथ बाबा वही जो रावण के पूर्वज, मतलब रावण के वंश के जो है जी, 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 उसने की पूजा करते हैं आप जी, 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 जी। ये लोग, आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये लोग रावण का जो लड़का था क्या सर मेघनाथ जी, रावण का जो मतलब उनका जो पुत्र था उसकी पूजा करते हैं और इस चीज़ को या ये जो दिख रहा है इसको मेघनाथ बाबा मानकर पूजा करते। मैं ये उनके इसके बारे में थोड़ा सा सुना था, जो इसके बारे में जो मेघनाथ का मेला जो लगता है, क्या बोलते अपने उमरेट में और रेनी में, तो जो उसी हिसाब से यह अभी यहाँ पे भी पहला मेला लगता था या कुछ पूजा अर्चना, क्या सिर्फ पूजा अर्चना ही बस होती थी? फुल जैसे अभी जगह जगह गाँव में पूरा मेघनाथ का जो स्टेचर बना हुआ है और ऊपर जो घूमते हैं जी, ऐसे यहाँ पे भी हुआ करते, यहाँ पे मेघनाथ स्थल था, यहाँ पे बराबर यहाँ पे वीर घूमते जी, और यहाँ से थोड़ी दूर आगे पर स्थान है वहाँ पे जेरी हुआ करते, जो कि ना जाने किस कारण उस जेरी को नष्ट कर दिया गया, वो जेरी है नहीं, अब सिर्फ यही जगह रह गई है जिसे हम लोग जल्दी से जल्दी इसको पूरा बना के स्ट्रक्चर बना के और फिर से भी घुमाने के लिए प्रयासरत। इसकी कोई फिक्स डेट है जो पूजा अर्चना यहाँ पे करते हैं इसकी कुछ? इसकी फिक्स डेट ये है जब होली होती है, होली के दूसरे दिन से हम लोग होली जलाते हैं, हम लोग होली के दूसरे दिन, होली जलाने के दूसरे दिन से इसकी पूजा चालू हो जाती है, तो वो करीब करीब 11 दिन या 15 दिन तक चलती है, अलग अलग जगह अलग अलग गाँव में अलग अलग तिथि निर्धारित करती है। जो छिंदवाड़ा में ये पोला ग्राउंड में जो स्थित मेघनाथ बाबा, इसकी पूजा की तारीख क्या, यानी कि होली जलने के कितने दिन बाद माना जाता है? हाँ, इसकी तारीख नहीं, इसकी तिथि। हाँ, तिथि तिथि इसकी चौथ। अच्छा, जो होली जलती है उसके चौथे दिन, जिस दिन होली जली जी, उसके दूसरे दिन से हम धुरेड़ी को एकम गिनते हैं, फिर दूज, फिर तीज और आज चौथ जी। जी, आपने ये सभी गाँव में देखे होंगे जो
इस तरह से एक लकड़ी होती है जिसे मेघनाथ बाबा जो कोयावंशी, आप लोग कोयावंशी मानते हैं, जो इस चीज़ की पूजा करते हैं, आजकल थोड़े गांव में विलुप्त होते नज़र आते हैं। तो इसके लिए आप किस तरह से, मतलब पहले तो हम लोगों को बहुत दिखते थे गांव-गांव में, अब किसी कारण बस दिख नहीं पाते, तो इसको आप आगे इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए क्या प्रयास करना चाहोगे? आपने जो देखा वो गलत देखा जी। पहले क्या था, कम देखे जाते थे, आजकल हर गांव-गांव में हमारे पंडा भूखा पढ़ियार और हमारे देव स्थानों को हमारे लोग निकाल लेते हैं, इसीलिए पहले की अपेक्षा ज़्यादा पूजा होने लगी है। और हमारे जो लोग थे शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग अपनी भाषा धर्म संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए आगे और बढ़ेगी और सारी जगह में जी। यहाँ पे भी आप अभी तो बहुत मतलब छोटे रूप में दिख रहा है, इसको आप इस जो अभी जो पूजा हो रही है अपने छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड में जो आपके मेघनाथ बाबा है, इसको आप विशाल रूप में भी कुछ करने की जी प्रयास? पहले भी होता था जी, अभी 20 लोगों से हमारा कम्युनिकेशन कम हो गया था, लेकिन चूंकि आज चौथ है और हमें पूजा करना ही है, तो इसीलिए हम आज पूजा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यहाँ भव्य कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, वीर झूलेंगे, लोग आएंगे और सारा क्या हमारा वो एक मूर्त रूप आ जाएगा इसका जी जी। तो आप लोग को इस चीज़ की जानकारी पहले नहीं थी होगी, और आप लोग और कुछ कहना चाहोगे आपके मन से? मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों से जितनी जानकारी पूछना चाहता पूछ लिया। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग जो हैं यहाँ आए, अपनी अपनी बात यहाँ दादा के सामने रखें, दादा बड़े दयालु हैं, सबकी मन्नतें पूरा करते हैं, बहुत से लोगों की होती हैं, तो आए और जो हमारे लोग हैं वो प्राकृतिक को माने, नेचर को माने, तो यही कहना चाहेंगे। चलो ठीक है, तो दादाजी आपका कुछ विचार? हमारे बीच में कुछ युवा साथी भी है, आप लोगों को इसके बारे में पहले जानकारी थी? नहीं, अभी पहली बार पता चल रहा है। जैसे कि दादा ने बताया कि इस चीज़ को अब जानकारी जैसे पढ़े लिखे युवाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी यह सार्थक प्रयास है, और देख सकते हैं सभी लोग अभी पूजा कर रहे हैं, और इसी पूजा को आप गुंगो बोलते हो ना जी? जी गुंगो हो रहा है मेघनाथ बाबा का। तो आप लोग सभी लोग हमारे चैनल में आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और अच्छी बातें लगती हो तो शेयर भी करें। जय जवाहर।